हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है सुबह को 8:40। बस अभी हमको चलना है गैरेज, क्योंकि कल से हमारा गाड़ी का जो फ्रंट वाला ब्रेक शो है एकदम पकड़ में नहीं आ रहा है, एकदम स्लिप हो रहा है। चलिए पहले गाड़ी ठीक करवाते हैं, उसके बाद मछलियों के लिए खाना खत्म हो चुकी है, उसका भी एक खाना लेके आएंगे। चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं, बारिश भी शुरू हो गई है, धीरे धीरे चलते हैं। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं गैरेज। उधर काम हो रहा है, ये गैस छोटा आउट के लिए खाई जो है। फाइनली गाड़ी का ब्रेक शो लगा लिया है और फ्रंट वाला जो ब्रेक शो है वो निकाला नहीं, क्योंकि वो वाला ब्रेक शो भी थोड़ा ठीक है और वो दोनों साइड में जो प्लास्टिक गार्ड लगा हुआ है वो निकल नहीं रहा है, और इसीलिए वो गैरेज वाले ने बोला कि अगर ब्रेक शो लगाना है वो दोनों गार्ड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने लगाया नहीं। बस और थोड़ा दिन चलने दीजिए, चलने के बाद थोड़ा ब्रेक शो ज़्यादा खा जाने के बाद फिर नया लगाएंगे। जब नया लगाएंगे ये दोनों तोड़ना पड़ेगा, और इसलिए मैंने नहीं लगाया। चलिए देखते हैं, बाद में लगाएंगे फ्रंट वाला ब्रेक शो, बाद में लगाएंगे। अब जितना है ठीक चलता है, और अब चलते हैं मछली के लिए एक बुरी दाना लेना है, इसीलिए हम जा रहे हैं थोड़ा आगे मार्केट में, और देखते हैं अगर मिलता है तो लेके जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि बारिश एकदम बारिश ने रुकने की नाम नहीं ले रहा है। सुबह से बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा सा बारिश रुक रहा है, अभी थोड़ा बारिश नहीं हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा आगे आगे। चलिए जल्दी जल्दी मार्केट में मछलियों के लिए खाना लेके निकलते हैं घर को। जोर से बारिश हो रही है, ये देखिए कितने जोर से बारिश हो रही है, गाड़ी ठीक नहीं हो पाया। और गाड़ी का जो ये वाला कवर खुला नहीं, और बहुत कोशिश की खुलने की लेकिन ये खुल नहीं पाया, और इसकी वजह से ब्रेक शो नहीं डाल पाए, और बाद में करेंगे, ये तोड़ के निकालेंगे और उसके बाद में उसे होल्डिंग मार के वो नॉट को निकालेंगे, बाद में लगाएंगे। तो इसलिए फ्रंट का ब्रेक शो नहीं लग पाया, बस वो बाबूजी ने बोला था फर्टिलाइजर लाने के लिए, ये रहा फर्टिलाइजर, और नीचे वाला जो बुरा है ये वाला वो मछलियों के लिए खाना है, तो लेके अभी आया हूँ। ये देखिए कितने ज़ोर से बारिश हो रही है, एकदम भीग के आ रहा हूँ। चलिए हाथ पैर धोते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए, बस थोड़ा कुछ खाते हैं। Down, buddy.
लंच टाइम हो चुकी है और टाइम और आया है, अभी 1:30 बज चुका है। चलिए लंच करते हैं, लंच में क्या बनी है देखते हैं। बस ना दो के रेडी खाते हैं। ये देखिए बनी है भात, ये आलू चोखा, ये साग, ये भिंडी आलू करी। चलिए खाते हैं। ये वाला जो साग है सज्जन का साग, ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए कितनी सुंदर बनी है। चलिए मस्त सज्जन का साग भात में डाल के खाते हैं। সকাল দিয়ে নেছে দেড় গিলাস फाइनली टाइम हो रहा है 4:30। चलिए मछलियों के लिए खाना डाल देते हैं। ये वाला देखिए मछलियों के लिए नया वाला खाना मैंने लेके आया था, वो एकदम बड़ा बड़ा था ना, बड़ा बड़ा सीटने पीटने के आया था। ये दोपहर को नहीं पड़ी और अभी डालेंगे। चलिए कैसे खाते हैं देखते हैं। चलिए ये वाला खाना जो नया नया आया है, देखते हैं मछलियों ने कैसे खा रहे हैं। चलिए हाँ कहीं जोड़ना ही जोड़ दिला दी पर जोड़ने आ लो। ये देखिए देखते हैं ये खा रहे हैं कि नहीं। तो नया 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 वाला हमने लिया है। ये देखिए यहाँ पे रख देंगे ये वाला ड्रम के ऊपर सेट कर देंगे। चलिए हम डालते हैं खाना। पूरा अल्लू है।
इधर ने बोंकाई गले को सब बारे मो भिडियो बगल दूछ के तैयार भिडियो हो अच्छा ना ठीक है बोली बस डिनर में खाते हैं पराठा और अंडा भुजिया। चलिए खाते हैं, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। फाइनली टाइम हो रहा है 10:30। बस डिनर करते हैं, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।